नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मतदाता सूची विषय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत धनवार प्रखंड सभागार में खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने अनुमंडल क्षेत्र के बीएलओ व सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि 1 जनवरी 2022 को अर्हता तिथि मनाते हुए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जाना है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व सभी स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराना व निर्धारित समय पर प्रशिक्षण कार्य को पूरा करना है। एसडीएम ने बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन कर मतदाताओं से बीएलओ पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त करने, मतदाता सूची से मृत मतदाता व स्थानांतरित मतदाता का नाम विलोपित करने, मतदाता सूची से ब्लैक एंड व्हाइट व खराब फोटो को हटाते हुए रंगीन बढ़िया फोटो को चढ़ाने आदि जरूरी चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। वही नवविवाहित महिलाएं व 18 वर्ष अर्हता पूरा करने वाले का मतदाता सूची में नाम चढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही, ताकि किसी का नाम मतदाता सूची में छूटे नहीं। बताया कि चुनावी गतिविधियों को आसान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने नवीन तकनीकी का प्रयोग किया है, ताकि एक क्लिक पर मतदाता से जुड़ी सभी जानकारी मिल सके। इस कार्य के लिए गरुड़ ऐप विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी बीएलओ को अपने अपने एंड्रॉयड फोन में गरुड़ ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। गरुड़ ऐप में सभी प्रपत्रों की ऑनलाइन एंट्री करें। एंट्री के दौरान घर का पता व मोबाइल नंबर पर ध्यान देने की जरूरत है। गरुड़ ऐप के माध्यम से डाटा एंट्री करने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो सीएससी के माध्यम से एंट्री कराएं। ईपी अनुपात व लिंगानुपात में आवश्यक सुधार के लिए प्रपत्र को लेकर कार्य करें। मौके पर धनवार सीओ नरेश कुमार वर्मा सहित अनुमंडल क्षेत्र के बीएलओ व सुपरवाइजर मौजूद थे। संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण होना है, उसी को लेकर के बीएलओ सुपरवाइजर्स एईआरओस के साथ बैठक की जा रही है। फ्री एक्टिविटीज कुछ होती है उसको पूरा करना है, फिर स्पेशल इनकम टैक्स के डेट में उन्हें कार्य करने हैं। जिनका भी नाम छूटा हुआ है, डेड वोटर है, उनका नाम हटाना है। प्रॉपर व्यवस्था करते हुए नियम के अनुकूल कार्य करना है। सभी बीएलओ को डायरेक्शन दिया जा रहा है, ताकि वो हाउस टू हाउस सर्वे जब करें तो बिल्कुल कोई घर छूटे नहीं, किसी का नाम जुटने में दिक्कत नहीं हो, और किसी तरह की दिक्कत अगर होती है तो अपने सर्किल अफसर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हेल्दी इलेक्ट्रल रोल का निर्माण हो सके। जेंडर रेशियो थोड़ी स्थिति खराब है, उसको हम लोग इस बार में प्रयास करेंगे कि जो उचित जेंडर रेशियो है वो पालन हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज, राजधनवार।